खबर है आगरा जनपद से, जहां आगरा शहर के चौराहों पर प्रतिदिन हर पल लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब यहां के चौराहों की इंजीनियरिंग शोध हो और समाधान खोजा जाए। मनोरम बजाज के डायरेक्टर एवं समाज सेवी राम मोहन कपूर ने इस विचार को सामने रखते हुए इंजीनियरिंग कॉन्टेस्ट की घोषणा की, जिसके विजेता को 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। दरअसल 15 जून 2023 दिन गुरुवार को संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में मनोरम बजाज द्वारा सड़क सुरक्षा पर चर्चा एवं उत्कृष्ट यातायात कर्मियों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में आयशर क्लब 60 प्लस का विशेष सहयोग रहा। मुख्य अतिथि अरुण चंद्र, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, विशिष्ट अतिथि पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट लॉर्ड कृष्णा, संस्था की संस्थापक कैप्टन शीला बहल और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता थे। राम मोहन कपूर ने कहा कि शहर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अंडरपास बनवाने की अत्यंत आवश्यकता है। राजा मंडी, हरी पर्वत, चौराहा इनमें प्रमुख है। उन्होंने कहा कि विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के मध्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा। TI प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि ओवर स्पीड, शराब, ईयरफोन या फोन का प्रयोग का दिशा में ड्राइविंग नेशनल हाईवे की संरचना प्रमुख रूप से सड़क दुर्घटनाओं के कारण है। मुख्य अतिथि अरुण चंद्र, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के कल कमरों द्वारा अपने नौकरी की सेवा के रूप में करने वाले उत्कृष्ट यातायात कर्मियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मनोरम बजाज के CEO गौरव कपूर, हृदय सिंह बघेल, भावना ग्रुप ट्रैफिक सपोर्ट टीम के सुनील क्षेत्रपाल, अमर रजावत, अमर गौतम आदि उपस्थित रहे। आज बहुत बड़ा विषय है, आज यहाँ सड़क सुरक्षा पर चर्चा, जिसके आज मुख्य अतिथि हमारे आगरा के SP ट्रैफिक साहब, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी और बहुत ही शहर के लिए बड़े चिंतित। इस चर्चा का जो विषय है वो ट्रैफिक को लेकर है और इसके आज के आयोजक हैं श्रीमान राम मोहन कपूर साहब, जो कि पिछले 25 वर्षों से रोड सेफ्टी पर अपना संस्था के साथ काम कर रहे हैं। साथ में आज वीरेंद्र गुप्ता जी ने भी आज अपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं और यहाँ सभी ट्रैफिक के पुलिस कर्मियों का एक सम्मान भी किया गया है, जो कि वो सम्मान के हकदार थे और वो हकदार थे तो उनको आज संस्था ने सम्मान किया और बहुत बहुत बधाई दी, जिससे कि आज शहर की जो यातायात व्यवस्था है निश्चित ही उसमें बहुत बदलाव, बहुत परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। शहर में जागरूकता भी आ रही है और हमारे पुलिसकर्मी भी बड़ी निष्ठा से शहर की पूरी लाइफलाइन को संभाले हुए हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान राम मोहन कपूर साहब को, जो कि पिछले 25 वर्ष इस रोड सेफ्टी पर अपना तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत चेयरमैन ट्रांसपोर्ट सेल, मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ कॉमर्स, सर्वप्रथम आज यहाँ जो हमारे पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाइयां देते हैं। इस कामना के साथ कि जिस मुस्तैदी से वो हम शहर के सभी नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए दिन रात, धूप हो, बरसात हो अथवा अन्य कोई भी मौसम हो, उसमें मुस्तैदी होकर के वो ड्यूटी देते हैं, अंजाम देते हैं, उस कार्य को वो प्रशंसनीय कार्य है और मैं समझता हूँ कि ये साधारण कार्य नहीं है। कोई समझता हो कि ये, लेकिन जो आदमी 8-8 घंटे घूमते फिरते कंटिन्यू चौराहे पर धूप में खड़ा होकर के मैनेज कर रहा हूँ तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही हमारे माननीय श्री अरुण चंद जी, जो कि आगरा के यातायात के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी समय समय पर मैंने देखा है चौराहों पर कि अपने समय समय पर दौरे करते हैं और बिल्कुल इस तरीके से वो यहाँ पर ड्राइविंग दे करके आते, कोई किसी तरीके का यहाँ पर कोई जान ना लगे अथवा कोई ऐसा दुर्घटना ना हो जिससे कोई क्षति हो। तो मैं तो प्रशंसा करता हूँ कपूर साहब की, जिन्होंने इस आयोजन को एक लंबे समय को भी कोरोना काल हमारा गया इसलिए ये कार्यक्रम लेट हुआ, लेकिन अब हम समय समय पर सभी मिलकर इस कार्यक्रम को करेंगे। साथ में प्रशासन से ये चाहेंगे कि मल्टी स्टोरी पार्किंग
आगरा में बहुत ही जरूरी है। कोई भी सामान परचेज करने दुकानदार पे आता है तो उसके पास वाहन खड़े करने का स्थान ही नहीं है, कोई तो पार्किंग नहीं है। तो जो सार्वजनिक जगह है जैसे पीडब्ल्यूडी की है, नगर निगम की है अथवा कोई अन्य सरकारी एजेंसी की है, वो खाली भूमि को वहां पर ले करके वो नगर निगम के माध्यम से या एडीए के माध्यम से वहां पार्किंग बननी चाहिए और उस पर शुल्क जब वो अवधि पूरी हो जाए लागत की, या पीपीवी मॉडल में भी आप बना सकते हैं। ये नहीं है कि वो पैसा सरकारी दे, पीपीवी मॉडल में 1 करोड़ रुपया लगता है मान ली पार्किंग बनाने में, वो रुपया जब पेड हो जाए तो आप फ्री कर दीजिए। तो मैं यही सुझाव दूंगा, प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी समझे, साथ में जनता भी जिम्मेदारी समझे। वो भी बहुत लापरवाह है, जलवायु बहुत करती है बदलने में, तो उससे दुर्घटना होती है। इन्हीं शब्दों के साथ